वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सैनिशी पे तशरीफ फरमा अली जनाब इज्जत उमा सफा सिद्दीकी साहब कॉर्पोरेटर अहमदनगर, हाशिम साहब कॉर्पोरेटर रीजनल कॉलोनी, जफर साहब कॉर्पोरेटर अल्लापल्ली, मूसा साहब कॉर्पोरेटर आसिफ नगर, मेरी बड़ी बहन आशा सुल्ताना मैडम साबिका स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और यहाँ पे मौजूद हमारे सीआई हबीबनगर साहब, सीआई हिमायतनगर साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मौके पे मैं सबसे पहले मुकर्रम अली सिद्दीकी साहब और उनके एमआर ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ड्रग फ्री लापली के ऊपर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया और एक कामयाब वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया, जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके जरिए से इस प्रोग्राम के स्टेज से, आप यहाँ पे मौजूद मीडिया और मीडिया के जरिए से तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनको एक छोटा सा पैगाम देना ये चाह रहा हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यहाँ पर पूरी तरीके से कमिटेड है नामपल्ली को हमेशा की तरह ड्रग फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने में, और यहाँ के जिम्मेदार जो पुलिस का महकमा है वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं इस इकदाम को लेने में। मगर मेरी भी एक अदबन गुजारिश आप तमाम से है, ये काम अगर हमें पूरी तौर पे करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे महल्ले चाक में इन नशे के चीज़ों की लानत अभी भी मौजूद है। आप जानते हैं कि इससे कई नौजवान इससे मुतासर हो रहे हैं, कई घराने इससे मुतासर हो रहे हैं और कई घराने इससे तकलीफ में भी आ रहे हैं। नौजवान बच्चे इस शौक के चक्कर में क्रिमिनल रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं और इन ये नशे की आदत को पूरी करने के लिए गलत इकदाम ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। मैं आपके जरिए से यह दबन गुजारिश ये करता हूँ, बेशक हम इसको ख़त्म करने हम यहाँ पे ठहरे हुए और इंशाल्लाह पुलिस महकमा भी यहाँ पे ठहरे हुआ है। आप अगर देखेंगे तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो ऐवान मुखर है असेंबली के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने हाल ही असेंबली के सेशन में ड्रग्स के ऊपर अपनी नज़रिया रखा और सख्ती से कहा कि हम इस इकदाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस तेलंगाना रियासत को ड्रग फ्री कर सके। उन्हीं के बोले हुए अल्फाज में आज नामपल्ली हल्के में आज हमने ये प्रोग्राम इकदाम किया है और इसकी शुरुआत की है और हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब हो। मगर मैं एक गुजारिश आप तमाम से और यहाँ पे बैठे हुए तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए से देखने वाले तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर सिर्फ ड्रग्स के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे जारी किया है, इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपके इलाकों में कहीं पे आपको दिखता है कि वहाँ पे कोई लोग वहाँ पे नशा कर रहे हैं तो फौरी तौर पे इसमें व्हाट्सअप करिए। हम फौरी तौर पे इस व्हाट्सअप को कंसर्न जो पीएस है, कंसर्न जो एसीपी है और कंसर्न जो डीसीपी है उनको भेजेंगे और हम पूरा तौर पर इस पर नजर रखेंगे कि वहाँ पे एक्शन लिया जाए। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे आंख बनिए और अगर आप और हम मिलकर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है नामपल्ली को पूरी तरीके से हम ड्रग फ्री कर सकते हैं। पर इसका काम आप तमाम के साथ हो सकता है, आप तमाम की जस्तजू के साथ हो सकता है और आप और हम तमाम अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह इस लानत को नामपल्ली से हम उखाड़ के फेंकने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बहसियत एमएलए बल्दी बरखी आबरसानी के काम हमेशा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराती थी, है और इंशाल्लाह कराते रहेगी, मगर ये इकदाम और हटके है, इसको हमें सीरियसली लेना है ताकि हमारे आने वाली नस्ल हिफाजत में रह सके, ताकि हमारी मौजूदा नस्ल ना खराब हो और जो बच्चे इसमें पढ़ चुके हैं इसके खिलाफ हमें मुहिम चला सके इंशाल्लाह। हम ये इकदाम हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखते हुए इंशाल्लाह वक्त के हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी रखते हुए हम और इकदाम इस पे लेने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे मुकर्रम अली सिद्दीकी साहब की तमाम टीम और एएमआर ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे बुलाया और मुंतखब किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।